हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग सब लोग। आज जो है कोरोना लॉकडाउन का 17वां दिन है, मतलब लॉकडाउन 2.0 का। और आज की डेट है 1 तारीख, 1 मई, मजदूर दिवस। और जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे बाल काफ़ी बढ़ चुके हैं और लॉकडाउन के कारण मैं कहीं मेंस पार्लर जा नहीं पा रहा हूँ। और सेव भी बढ़ चुकी है काफ़ी, सेविंग भी करना है। तो आज मैंने जो है नाई के रूप में अपनी मिसेज को अपॉइंट किया है। ये मेरे बाल काटने वाली है और साथ में मेरी शेव भी करने वाली है। तो मैंने सोचा बाल काटने से बेटर यही होगा कि सीधे पूरे बालों को गंजे ही कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी का समय है और क्या कहते हैं, लॉकडाउन का भी टाइम है। तो इट्स बेटर टू क्लियर ऑल द थिंग्स, सो जस्ट इंजॉय द वीडियो। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर करने वाली हेयर कट मीन्स कि मैं गंजा करने वाली हूँ, क्योंकि प्रॉपर हेयर कट जो है मुझे तो आएगा नहीं ना, इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है। और अभी गर्मी का भी सीज़न है तो ऐसा है ना, हेयर फॉल्स भी होता है, तो इससे अच्छा है कि जैसे गंजा कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जो मतलब गर्मी में, जैसे गर्मी में भी अच्छा होता है, और जैसे हेयर वगैरह गिरती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे पूरे बाल निकाल लो, गंजा कर लो तो अच्छा रहता है। वैसे निकालना चाहिए क्योंकि फिर बाल है ना और घने आते हैं। तो फिर यहाँ पर है ना, मैं कर रही हूँ हेयर कट उनकी, मतलब गंजाई कर रही हूँ उनको, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ना कैंची से छोटे छोटे बाल काट रही थी कि जो छोटे छोटे हो जाए, तो फिर इसके बाद मैं करूँगी ट्रिमर, ट्रिमर से करने वाली हूँ क्योंकि ऐसा नहीं आएगा मुझे। तो मैं कर रही हूँ तो आप देखिए, आप इसे इंजॉय कीजिए। बहुत सारे लोगों ने है ना लॉकडाउन में गंजा किया है, बहुत सारे लोगों ने किया, हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने किया है। और मेरे हस्बैंड तो जैसे गर्मी में है ना, हमेशा वो जैसे ना गंजा जैसे निकाल लेते हैं पूरे बाल, क्योंकि अच्छा होता है इसलिए। तो यहाँ पर आप इंजॉय कीजिए, आप देखिए किस तरीके से मैं करती हूँ हेयर कट, पहली बार किया है तो आप इंजॉय कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्रिमर से ही किया है, पहले कैंची से काट लिए थे फिर ट्रिमर से कर रही हूँ मैं। तो डर भी लग रहा था मुझे कि कट ना जाए, क्योंकि डर सा लगता है ना, तो लग रहा था, पर इससे तो कोई मतलब कि कट वगैरह नहीं लगता है ट्रिमर से। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कहाँ कहाँ से निकले और कहाँ से नहीं, तो ऐसा हो रहा था कहाँ से निकल रहे थे अच्छे से, कहीं से नहीं। तो फिर मैं देख देख के है ना ये निकाल रही थी, और आप देख सकते हैं गंजी होने के बाद मेरे हस्बैंड कैसे दिख रहे हैं मुझे ना तो आप देख सकते हैं, और उनकी जो सेब वगैरह बढ़ चुकी है तो वो भी करना है क्लीन। तो वो एक बार मैंने कर दी थी उनकी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कर दिया था खुद से, पर मुझे नहीं मतलब आया, पर मैंने थोड़ा सा सेब वगैरह मार दिया था। तो अभी उनको करना है, तो मैं यहाँ पर जो उनकी है ना मतलब ये सेव वगैरह मुझे करना है तो मैं कर दूँगी। और देखिए बाल जो है ना मतलब वो ये ब्रश है ना जो सेव के लिए यूज़ किया जाता है, तो उससे मैं यहाँ पर ऐसे झटक रही कि बाल जो है ना गिर जाए, क्योंकि बाल छोटे 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 बाल है ना चिपक गए थे वहाँ पर। तो मैं फिर से यहाँ पर निकाल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से निकले हैं नहीं हैं, तो मैं वहाँ से देख रही हूँ और निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे हैं,
तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मेरे हस्बैंड गंजे में अच्छे लगते हैं कि जब हेयर रहते हैं तब अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, और मैं अभी है ना, मेरे कुछ दिनों से व्लॉग वगैरह भी शेयर नहीं कर रही हूँ और एलवी भी नहीं कर रही, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। पर आज से मैं फिर से चालू करूँगी, हाँ ब्लॉग वगैरह भी डालूंगी और एलवी भी करूँगी, तो आज से मैं करने वाली हूँ। तो अभी शायद कुछ दिन पहले ही, हाँ कुछ दिन, एक हफ्ता होने वाला है, तो मैंने ना ये वीडियो शूट करके रखा था, उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी शेयर नहीं किया। सोचा करती हूँ करती हूँ करती हूँ, पर मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी। तो आज के लिए बस मैं यही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और आप बस आप इसे बस इंजॉय करते रहिए, देखते रहिए कि किस टाइप से मैंने किया है। क्योंकि ब्लॉग मैंने ना एक शूट करके रखा है, पर उसकी एडिटिंग वगैरह नहीं की है, तो मैं करूँगी उसकी एडिटिंग, आज ही करके रख दूँगी, और जैसे आज करके रख दूँगी और फिर कल वगैरह शेयर करूँगी। तो आप अभी इसे इंजॉय कीजिए, बहुत दिनों बाद मैंने अपना वीडियो शेयर किया है। सेविंग भी कर दे रही हूँ, और देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ कैसे नहीं, तो मैं निकाल रही थी, और फिर इनको यानी पूरा ही क्लीन करना है, तो मैंने ना आधा ही कर दिया था, क्योंकि इसकी जो बैटरी है ना ट्रिमर की ख़त्म हो गई थी, तो इसके बाद मैंने नहीं किया। और फिर वो बोल रहे थे मेरे हस्बैंड कि वो खुद कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, तो फिर मैंने है ना आधा ही निकाल दिया, और फिर वो खुद से कर लेंगे, क्योंकि बैटरी उतर गई थी। और जल्दी ये ट्रिमर जो है ना चार्ज नहीं होता है, बहुत देर तक लगा कर रखना पड़ता है, तब जाकर ये फुल चार्ज होता है, क्योंकि इसमें शायद ना बैटरी की प्रॉब्लम है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, मेरे हस्बैंड कैसे दिख